नमस्कार। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि विटामिन डी की कमी से बॉडी में कौन सी दिक्कतें हो जाती है, कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी अवयव हो विटामिन से, जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब में काफ़ी सहायता करता है। और विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाती है तो कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन नहीं होता है। मसल्स में और बोन में बहुत सी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और बहुत सी प्रकार के दिक्कतें हो जाती हैं। विटामिन डी को ब्लड से हम लोग जांच सकते हैं, चेक करा सकते हैं। विटामिन डी 30 से कम होता है तो इसको दिक्कत हो सकती है। 30 से 100 तक नॉर्मल होता है। 30 से 100 नैनो देखिए चेक करा करके तो नॉर्मल होता है। 10 तो बहुत ही सीवियर कम हो जाता है। जब 10 से कम होता है किसी का तो बहुत ही सीवियर हो जाता है। विटामिन डी मॉर्निंग में जो धूप आती है, सुबह सूर्योदय के समय की मॉर्निंग, उसमें अगर आप टहलते हैं तो उसमें विटामिन डी आपको मिल सकता है। और आपको अगर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम नहीं है तो न्यूट्रिशन से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे आप पहचानेंगे कि विटामिन डी हमें कराना चाहिए, विटामिन डी कम हो जाए। हड्डियों में आपके दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, अकलन होने लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, काम करने में मन नहीं लगता है, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, शरीर भारी भारीपन लगता है और बहुत ही बेचैनी होती है, भारीपन लगता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद इतना ज़्यादा आती है कि ओवर स्लीप, रात में सोएंगे फिर दिन में लगेंगे, हाथों पैरों में क्रैम्पिंग होने लगती है, मांसपेशियों में मसल्स में दिक्कतें होने लगती हैं। कहते हैं कि विटामिन डी अगर आपको 30 से कम है तो एनीमिया भी हो सकती है और डायबिटीज भी होने की चांसेस रहते हैं, कई स्टडी में आया हुआ है। विटामिन डी को कैसे लिया जाए, तो विटामिन डी लेने के लिए आपके सोर्स है, अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है, दूध में विटामिन डी पाया जाता है, संतरे के जूस में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। धूप में आप चल सकते हैं या बाहर मार्केट में आपको सैचेट आते हैं विटामिन डी के, इंजेक्शन्स आते हैं वो ले सकते हैं। और फिजिशियन के पहले विटामिन डी जांच करवा लें और किसी फिजिशियन को दिखा लें, उसके बाद आज हम बताएंगे होम्योपैथी में विटामिन डी क्या है, कैसे ले सकते हैं। विटामिन डी अल्फा एक शाकाहारी एवं सप्लीमेंट भोजन है जो हड्डियों के नवीनीकरण और मजबूती को बनाए रखने का साथ हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को और हड्डियों के उपापचय को बढ़ावा देता है और इस प्रकार हड्डियों से संबंधित बीमारियों को दूर रखता है। विटामिन डी और विटामिन डी थ्री, विटामिन डी टू दो तरीके के होते हैं। विटामिन डी थ्री और विटामिन डी टू को आहार एवं खुराक के द्वारा लिया जा सकता है। बहुत कम खाद्य पदार्थों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फेट, जिंक के आंतों से होने वाले अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों को स्वस्थ रखने एवं उपापचय को बनाए रखने के लिए आवश्यक अवयव है। बच्चों में मुलायम और विकृत हड्डियां रिकेट्स बोलते हैं, और हड्डियों में जो वीकनेस आ जाती है रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन डी को लेना चाहिए। विटामिन डी अल्फा प्लस लॉर्ड कंपनी है, वो बनाती है विटामिन डी अल्फा प्लस, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें विटामिन डी अल्फा प्लस में विटामिन डी थ्री की 15 माइक्रोग्राम मात्रा है जो कि शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है। आप अपने फिजिशियन से डिस्कस कर लें, राय ले लें, विटामिन डी जरूर लें, बहुत ही अच्छा है। और ये विटामिन डी अल्फा अल्फा में, विटामिन डी अल्फा अल्फा में जो लार्ड कंपनी बनाती है वो मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स के साथ बना के देती है, जिसमें अल्फा अल्फा भी है, एनएच सीड है, कैल्शियम साइट्रेट है, विटामिन सी भी है और एलोए है, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी थ्री, विटामिन ई और मल्टी फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन डी थ्री है। इसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेना चाहिए, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को लेना चाहिए जब डिफिशेंसी में, और मेंटेनिंग डोज में विटामिन डी की एक टैबलेट लेने से काफ़ी आराम मिलता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे टाइम टाइम पे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आपको
मिलते रहें, और बिल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बगल में साइड में बिल है उसको आप टच करते हैं तो जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको कोई बीमारी से रिलेटेड होम्योपैथी में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9305858930 पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।